कहना क्या है? ना 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 गाओ, एक नंबर भैया। हारमोनियम का माइक जरा चालू करते हैं, बंद पड़ा है। बस बहुत सुंदर, बिल्कुल आपके लायक, आपके जमाने की धुन। हेलो महली के रे हाय हाय हाय, रंग महल के दस दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया ने कसे गए मैं ना लड़ी थी, सैया ने कसे गए मैं ना लड़ी थी, सैया ने कसे गए मैं ना लड़ी थी। हमारे कौशल भाई के बारे में कुछ कहा था कि कौशल आप अपने ऊपर मत लेना। ना ना ना, अब मेरा कहना क्या है? मैंने कहा था एक भी लाइन बाकी नहीं रहेगी। हाँ दादा, अरे नाराज क्यों हो रहे हो आपस में? ना ना, झगड़ा मत करो ना, पैसा कम दे दियो पर झगड़ के ही रहे हो। मंडल कल चेंज कर देना, आज मत करो। 101 रुपए का आशीर्वाद पर है, आशीर्वाद दिया आदरणीय हमारे दादाजी ब्रजेश सिंह चौहान जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। कौशल दिखाने वाले कौशल खड़े रहते हैं, जरा ध्यान से सुनना, सुनो जवाब। कौशल दिखाने वाले कौशल खड़े रहते हैं, जो रण में कौशल है वो रण में अड़े रहते हैं। एक रफी चल रहा है इसमें अंदर, जरा देखना सुनिए। धोखे से नारी को चुराना ये कौशल नहीं है ना। तुम कह रहे थे रावण चुरा के ले गया, अब मैं क्या कह रहा हूं कि धोखे से नारी को चुराना ये कौशल नहीं है, कि बलपूर्वक ले जाने वाले तो रामवीर के चरणों में पड़े रहते हैं। इधर से हर बात का जवाब हुआ। महल के दस दरवाजे, ना जाने कौन सी खेड़े की खुली थी, सैया ने कसे गाए मैं ना लड़ी, करेंगे आप लोग कि कर कर के याद राम की आंसू द्रगों बहने लगे, बेटा मेरे बेटा मेरे दशरथ पिता कहने लगे। इसलिए गा रहा हूं आजकल इन लोगों ने, तुम कह रहे थे पोस्टमार्टम, हाँ बिल्कुल, इस गीत का पोस्टमार्टम कर दिया लोगों ने, इसलिए मुझे यूट्यूब के माध्यम से गाना पड़ रहा है। हाँ संजय चाचा जी, अब महाराज दशरथ क्या कह रहे हैं सुनेगा। आज जब भगवान श्री राम वनवास के लिए चले जाते हैं, बुझने लगी है छने लगी है नैनों की ज्योति, आरणी दादा जी ये बुझने लगी है नैनों की ज्योति, अंधेरे में छोड़ सारा धाम जा रहा है। आज मेरे बेटे राम ने ये पूरा धाम अंधेरे में छोड़ दिया, अंधेरे में
छोड़ सारा थाम जा रहा है। अब महाराज दशरथ की एक ही पुकार है, महाराज दशरथ कहने लगे बुझने लगी है ये नैनों की ज्योति, अंधेरे में छोड़ सारा थाम जा रहा है। रुको रे रुको मेरा राम जा रहा है, यही खासियत है। पोस्टमार्टम हम नहीं करते, हम लोग ना 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 बिल्कुल तबीयत खुश कर देते हैं पड़ोसी मंडल की। अरे मेरे कोई नहीं है पास, ये भी इसमें मेरे कोई नहीं है पास, हो मेरा राम चला बनवास। अरे रह रह के दिल में यही पश्चाताप होगा। और आदरणीय निर्णायक मंडल के जितने सदस्य बैठे हैं, महाराज कहने लग गए रह रह के दिल में यही पश्चाताप होगा, मुझसा अभागा जग में कौन बाप होगा। यादनी हमारे निर्णायक समिति की तरफ से जय हो। यादनी दादाजी छोटेलाल राजपूत जी की तरफ से 51 रुपए का महान आशीर्वाद प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। रह रह के दिल में ये ही पश्चाताप होगा, मुझसा अभागा जग में कौन बाप होगा। हुई वेदना जो सहन अब न होती, हुई वेदना जो सहन अब न होती, दुखों का जो दाम थाम जा रहा है। रुको रे रुको ये मेरा राम जा रहा है, गई सब आस। दादा आराम से एक नजर। अरे मेरी टूट गई सब आस, मेरा राम चला बनवास। अरे दिल में बसाई मैंने जो के कई, दिल में बसाई मैंने जो के कई, दुश्मन अवध की बन गई वो के कई, जिसको मैंने दिल में बसाया था आज वही दुश्मन बन गई। क्योंकि जिस रानी से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था आज उसी रानी की खातिर ये दिन देखने को मिला है मुझे। ममता मिली है उस माँ की धोती, अरे बुझने लगी है ये नैनों की ज्योति, हुई वेदना अब सहन नहीं होती। अरे करने कठिन
प्रभु के साथ काम जा रहा है। रुको रे रुको मेरा राम जा रहा है। हमारे परिवार में छुछोरा गाना नहीं होता है। ना 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 करेंगे। किसको कष्टों का एहसास, आखिरकार मैं किसको दिखाऊं कि मेरे अंदर दुख कितना भरा हुआ है। अरे मेरे बेटे राम के जाने से आज ये दशरथ अब जीवित नहीं बचेगा रानी। किसको कष्टों का एहसास हो मेरा राम चला बनवास। तब कहने लगे महलों का रहने वाला वन में रहेगा, विपदा कठोर बेटा कैसे सहेगा। अरे भर भर के शेष की प्रजा खूब रोती, भर भर के शेष की प्रजा खूब रोती, घर घर पुकारा जिसका नाम जा रहा है। आज भी घर घर पुकारा जिसका नाम जा रहा है। रुको रे रुको मेरा राम जा रहा है। आई अंतिम पंक्तियों में कहने लगे महाराज सुनिए गुरु, मुझको पूरा है आभास। एक एक पंक्ति नोट करना, उसके बाद इसका जवाब आ सकता है। हाँ जवाब तो मामला बहुत टेढ़ी खीर है। चार जगह से बीच में है कुछ इसमें। हाँ मुझको पूरा है आभास मेरा राम चला बनवास। अरे दुख जो मिले ना दिल पे जाएंगे झेले, जग के विधाता मेरे प्राण ले ले। हे विधाता हम मुझसे दुख झेले नहीं जाएंगे, इसलिए महाराज ने कह दिया। अरे दुख जो मिले ना दिल पे जाए झेले, जग के विधाता वो मेरे प्राण ले ले। अरे कहे चंदूलाला मेरे मन का मोती, सुनिए कहे चंदूलाला मेरे मन का मोती, रामवीर सरया मुबे का बिना दाम जा रहा है। रामवीर बे का बिना दाम जा रहा है। अरे अंधेरे में छोड़ सारा धाम जा रहा है। रुको रे रुको मेरा राम जा रहा है। रुको रे रुको मेरा राम जा रहा है। आगे चलते चलते खंड की दो मिनट। दिनेश भैया हो क्या गया आज तुम्हें, इतनी बढ़िया बढ़िया धुने लगा रहे हो इतने बढ़िया अंदाज में, और कौशल यही ध्यान भटकाने का अंदाज है। हाँ। दिनेश भाई कहते चले और हम तुम्हारी बातों में उलझते चले। आ
आज जे गंत प्लेटफार्म पे उतर गई गाड़ी के दोस्त से दादा के दोस्त से दोस्ती का अरमान होता है, दोस्त से दोस्ती का अरमान होता है, और जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं वहाँ शमशान होता है। दोस्त से दोस्ती का अरमान होता है और जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं वहाँ शमशान होता है। और बात जब आन बान शान की आ जाए तो वहाँ युद्ध घमासान होता है। भाई दिनेश जी, और एक कला और है हमारे गुरुदेव में कि अपनी बात को कह लेते हैं आप भी हंस लेते हैं, ये जनता अपने छोड़ते हैं, हंसे तो हंसे, खुद ही कह लेंगे खुद ही हंस लेंगे, ये कला बहुत अच्छी उनको लगती है मुझे। मैंने क्या कहा आपसे, आपने समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया। सुनो, कलयुग की बात कही थी मैंने, जब आपने कहा तो आपने जनता को उलझाने की कोशिश की कि बिंदा विष्णु की पत्नी, ये बात मैंने भी नहीं कही। मैंने ये कहा कि बिंदा से जब छल किया तो बिंदा ने श्राप दिया, और बात क्या थी कि तुलसी के चरणों में शालिग्राम पड़े हुए हैं, आपने कोशिश की गुमराह करने की। आपने कहा मेरा ही काफिया लगा गए गोटे, ये आपने नहीं लगाया था। एक और बात आपने कही कलाकार की कोशिश होती है, बहुत अच्छी बात लगी, कोशिश ही तो होती है कलाकार की, जरूरी नहीं है कि हर आदमी हर धुन को उतनी अच्छी तरह से उतार जाए। कि रंग महल के दस दरवाजे और ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, संयान कसी गए मैं नाली, संयान कसी गए मैं नाली, संयान कसी गए मैं नाली। आशीर्वाद हमारा प्रोत्साह वर्धन कहना। जब दशरथ ने, और ये 50 रुपए की मुद्राओं से आशीर्वाद छोटेलाल राजपूत के माध्यम से आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना, जब दशरथ ने जनता जनार्दन से, नगर निवासियों से कहा, अब आगे की बात आपकी बात संक्षेप में ही मैं कौशल्या की तरफ से ला रहा हूं कि जब राम बन गए तो कौशल्या की माया हर ली भगवान राम ने, कौशल्या को मालूम ही नहीं पड़ा कि राम बन चले गए। इतने दिन 14 वर्ष राम वनवास रह के आए, कौशल्या को खबर तक नहीं हुई, तो कहा कौशल्या की प्रभु ने माया हरी है, राम गए बनना मालूम पड़ी है, कौशल्या की प्रभु ने माया हरी है, कौशल्या की प्रभु ने माया हरी है, कौशल्या की प्रभु ने माया हरी है। ये विधिकार
ये कोशिश होती है कलाकार की।